हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी मतलब बिल्कुल जस्ट मैंने वीडियो देखा रिसेंटली, जो गौरव भाई ने अपलोड किया अपना वीडियो, और रसभरी को जैसे कि पैर में जो प्रॉब्लम आई है ये हम आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे फ्यूचर में, जो आज की जनरेशन है और आने वाली जनरेशन के बारे में। सो जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, और बस बिल्कुल मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा। सो गाइस, हो क्या रहा है कि आजकल के जितने भी बच्चे हैं, जो जनरेशन पैदा हो रही है, अप्रोक्स जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है ना, तो लोग बच्चे क्या होते हैं, मतलब उनको माँ बाप उनके धूम में नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात, धूप में नहीं रखते हैं, और उनको मतलब कि जो आरओ का पानी होता है ना, उसमें जो विटामिन्स होते हैं, मैंने अभी एक लोग से पूछा भी कि यार ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों को आरओ पानी मतलब स्टार्टिंग से पिलाते रहते हैं आरओ का पानी, जो ज़मीन का खुद मतलब नेचुरल पानी होता है, समर वगैरह जो था हमारे, मतलब हमारे यहाँ तो समर का पानी आता है तो हम लोग समर का पानी पीते हैं, तो उसमें जो विटामिन्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं बॉडी के लिए। तो आरओ का पानी बच्चों को कम पिलाया करें प्लीज़। ज़्यादातर अगर आपके एरिया का पानी गंदा है तो बच्चों को गंदा मतलब आरओ का पानी पिलाओ, वरना नेचुरल पानी अगर आपके घर का है, अगर मान लो TDS 200 के आसपास, TDS 300 आसपास TDS है तो आप पिला सकते हो, अगर 1800 है तो मत पिलाना। और जो आरओ का पानी हम लोग घर पे पीते हैं, जो आरओ से निकलता है ना, वो 95 से लेकर 60-80 तक इतना होता है TDS। अब आप समझ लो कितना ज़्यादा, मतलब उसमें एकदम ऐसा बोल सकते हो कि एकदम उसमें कोई कुछ नहीं होता, ना विटामिन्स होते ना कुछ, सिर्फ पानी होता है और ना वो बॉडी में लगता है। तो इसीलिए आजकल के जो डाइजेशन है, लोगों को खाना भी नहीं पचता है अच्छे से, और आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे छोटों पे चोट लग जाती है और चोट बहुत जल्दी सही नहीं होती है, इसका भी कारण यही होता है कि विटामिन्स बॉडी में पहुँचते ही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। और क्या होता है कि आज पहले के बच्चे क्या होते थे कि खेलते थे धूम में जाके, हम लोगों ने भी बहुत खेला है, बट आज के बच्चे क्या है कि मतलब कि ना धूम में निकलते हैं, उनको बस फ़ोन में का मतलब काट आज मतलब सिंपल से ये रहता है ना कि आजकल के पेरेंट्स भी इतने वैसे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि अपने बच्चों को क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, फ़ोन चालू करके दे दिया, बस बच्चों को फ़ोन दिखा रहे हैं, कार्टून लगा के दे दिया, बच्चे देख रहे हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखो कि बच्चों को फ़ोन मत दो, उनको कॉपी बुक्स। और गौरव भाई ने रसी को मतलब ये चीज़ तो बहुत सही सिखाई है कि किताबें पढ़ाते हैं और उनको फ़ोन बहुत कम देते हैं, बट अब वो बड़ी हो रही तो ब्लॉगिंग भी करने लगी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि बच्चों को फ़ोन दो, लेकिन उनसे ये भी कहो कि बाहर खेलें जाके, थोड़ा सा बच्चों के साथ धूम में खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे ज़रूर सही है, हम लोग भी बड़े हुए हैं यार मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, बट हम लोग जितनी आजकल के जो बच्चे हैं इतनी प्रॉब्लम्स आती है ना, हम लोग इतना मिट्टी में खेलते थे मतलब धूप में, तो ये चीज़ नहीं है। और अभी मैं अभी एक इंसिडेंस आपको बताऊं कि मेरे यहाँ घर से लेकर कम से कम तो 1 किलोमीटर एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, मैंने देखा है, मैं उस गाँव में काफ़ी बार गया हूँ, तो वहाँ पर मैंने बच्चे देखे इतने धूप में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं उनके बच्चे, और छोटी छोटी सी जो बकरियाँ नहीं होती हैं उनको चराते हैं, उनको चराते हैं और धूप में खेला करते हैं, और वो बारिश में एक नदी है वहाँ पार करके जाते हैं, उन बच्चों को कुछ नहीं होता है ये सिर्फ धूप में खेलने से। और कहते नहीं है कि एक बच्चा, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी सौगंध, शायद जो आज की जनरेशन उन्होंने देखी हो, जो मतलब होंगे कुछ लोगों ने देखी होगी सौगंध, जिसमें अक्षय कुमार को मतलब उनकी उसकी माँ मतलब इतना सॉलिड बनाती, कहती कि ये मेरा बच्चा बहुत सॉलिड बनेगा, उसको पानी में, बरसात हो रही होती है उसको पानी में से रख देती है। तो इस टाइप में बच्चों को आप खुद सॉलिड बनाओ, कि उस बच्चे को इतना सॉलिड बना दो कि वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो, बीमारियों हो तो झेल सके। ये चीज़ मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को इतना कमज़ोर मत बनाओ आप लोग कि बच्चे छोटी मोटी से चोट नहीं सह पाते हैं, बीमारी नहीं सह पाते हैं। फ़ोन से दूर रखो, और बच्चों को ज़्यादातर कोशिश करो, बच्चे हो या बूढ़े हो या हम ही लोग हो, धूप में रहना सीखो आप लोग। मतलब आजकल क्या होता है कि धूप में हो जाएंगे काले, हो जाएंगे डिटैन, हो जाएगा चेहरा, तो ये चीज़ थोड़ा सा कोशिश करो कि धूप में रहो, डिटैन हो जाएगा तो क्या है, लेकिन बॉडी में जो पावर मिलती है ना धूप से, और ख़ासकर सुबह की, और किसान तो जानते हो आप लोग, किसान सुबह ही वो लोग अपने खेत चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं। हरियाणा में तो अधिकतर अपने जाट भाई हैं जितने भी, तो सब खेतों में काम करते हैं, तो देखते हो कि कितने लंबे चौड़े होते हैं, मतलब उनकी ब्रीड मतलब जो एक ऐसे होते हैं नस्ल होती है ना, कि जो ह्यूमंस हैं वहाँ के, हरियाणा के जितने भी लोग हैं, वहाँ की जो लेडीज़ हैं और मतलब वहाँ की सब
एक गाना नहीं है 52 गज का, उसमें देखा होगा कि जितनी लेडीज़ है खूब लंबी चौड़ी हैं, तो एक नस्ल होती है कि वहाँ खेतों का एकदम ऑर्गेनिक फूड होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो कि बच्चों को जितना मतलब डाउन टू अर्थ रखोगे उतना बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे। बस यही है, थोड़ा सा एक मन में ख्याल है कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। सो प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखो, और बस मेरा अच्छा मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जिनको ये वीडियो ज़रूरत हो। प्लीज़ ओके बाय।